हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? हम सब लोग अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं कि भगवान की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। जय जगन्नाथ। आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ झिली मिली ब्लॉग्स में। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत है। देखते हैं कहाँ आए हैं, क्या हो रहा है, आज का दिन कैसा गया आप लोगों का। और हम लोग तो ठीक ठाक हैं, उम्मीद करते हैं आप सब लोग भी अच्छे होंगे। हम लोगों के साथ ऐसे ही बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए देखिए कितना सुंदर नज़ारा। देखिए ऐसा कहीं और देखने मिलता है क्या? आप लोग तो कमेंट भी नहीं करते हैं कि कैसा लगा। हाँ, इधर के जो है लोग, इधर जो रहते हैं मेरे फ्रेंड्स सब्सक्राइबर, वो लोग तो देखे ही होंगे। वो लोग यूज्ड टू हैं, उन लोगों को कुछ नया नहीं लगेगा। बट जो यहाँ के नहीं हैं, उन लोगों को तो ज़रूर अमेजिंग व्यूज मिलता होगा। देखिए कैसे ऐसे इधर पहाड़ी में कैसे बनाया जाता है बिल्डिंग्स वगैरह। यहाँ का सीनरीज कितना अच्छा लगता है। जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि ऐसे स्टेप वाइज कल्टिवेशन होता है, वैसे ही इधर होता है। देखिए और ये सब पाइन ट्रीज है या स्नो ट्री क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन देखिए कितना सुंदर लग रहा है। कितना टॉल टॉल है ये ट्रीज, देखिए इतना नीचे से ऊपर तक बहुत ही ज़्यादा। मेरे ख्याल से यही सब ट्रीज शायद ज़्यादा टॉलेस्ट ट्रीज हैं। ओके, तो ये एक नामनाग रोड में ये एक पाथवे बनाया गया है। ये पहले नहीं था, हम लोग जब आए थे पहले 10-12 इयर्स बैक। अभी ये नियरली फिर भी 4-5 इयर्स बैक बन गया है। अभी 4-5 इयर्स से तो ये पूरा बनकर रेडी हो गया था, लेकिन इस साइड में ज़्यादा लोग नहीं जाते आते हैं। फिर भी ये पाथवे बहुत सुंदर है। आप चलते चलते नज़ारा देख सकते हैं और एक पीसफुल एनवायरनमेंट आप लोगों को मिल जाता है देखने के लिए, अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए। और देखिए कितना अच्छा बनाया गया है पाथवे, तो एकदम बहुत ही अच्छा व्यू दे रहा है। ये देखिए कितना अच्छे से बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट्स भी हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है पूरा। जैसे ग्रीनरी ग्रीनरी सीजन है और रेनी सीजन की वजह से पूरा चारों तरफ ग्रीनरी है। छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं, सीटिंग चेयर बनाया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ये नामनांग रोड का जो है पाथवे, वो कैसा लगा आप लोगों को? देखते रहिए ब्लॉग, बने रहिए हम लोगों के साथ। सारे लोग हैं, इतने ज़्यादा क्रैकर्स फुटा रहे हैं। और मालूम है ये क्यों कर रहे हैं? गेस कीजिए ना। हाँ, ये द्रौपदी मुर्मू जी जो कि इंडिया का 15th प्रेसिडेंट बन गई है इस खुशी में। और सबसे बड़ी बात है ये हमारी उड़ीसा की है, और इससे बड़ी गर्व और खुशी की क्या बात हो सकती है कि उड़ीसा के एक ट्राइबल को आज इंडिया का प्रेसिडेंट बना दिया गया है ना। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू द्रौपदी मान। एंड देखिए ना, ये जश्न मना रहे हैं, ये देख कर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है। वुमेन एम्पावरमेंट कितना ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है देख कर। सच में जैसे लग रहा है कि मेरा ही कोई अपना, मेरा ही कोई फैमिली मेम्बर को ही कैसे ऐसे कामयाबी मिली है।
बहुत ही लोग खुश हैं, सारे देश के भी लोग खुश हैं और एक आउट ऑफ स्टेट से आपके स्टेट के लोग तो खुश होंगे ही, लेकिन एक अलग स्टेट के लोग भी ऐसे खुशी मना रहे हैं, ये देख के और भी ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है। एक्चुअली सडनली मुझे ये सब आवाज़ सुनाई दिया तो मैंने सोचा क्या हो रहा है, कभी आके बालकनी में देख रही हूँ कि ये हो रहा है। द्रौपदी मुर्मू मैम जी के लिए उनको सपोर्ट करते हुए खुशी से ये मनाया जा रहा है, क्रैकर्स खुला रहा है, बहुत सारे लोग हैं। जनरल यहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ देखना भी नहीं मिलता है। देखिए कितना ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं, खुशी मना रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। देखिए इधर का एक ये एक खास डांस है जो कि ऐसे ही मुखौटा एक पहन कर करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार इधर देख रही हूँ, है कि इधर करते हैं बट मैंने नहीं देखा था। बहुत खुशी इसीलिए और भी महसूस हो रहा है कि कोई और स्टेट में उनके लिए इतना ज़्यादा खुशी मनाया जा रहा है, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात वही है कि जैसे अपने घर परिवार में तो सब करते हैं, लेकिन कोई दूसरा आपका अप्रिशिएट करे, कोई दूसरा पार्टी, कोई दूसरा स्टेट के लोग भी इतने खुश हो रहे हैं तो देखकर और भी महसूस हो रहा है गर्व, क्योंकि वो हमारी ओडिशा की हैं। हेलो एवरीवन, तो आज मैं चाय बनाने वाली हूँ, तो मैं थोड़ा सा ही चाय बनाऊंगी, मतलब काफ़ी कम दूध था, मैं ऐसे ही ट्रायल के लिए, मुझे वैसे आता नहीं है अच्छे से चाय बनाना, शायद एक कभी मैंने चाय बनाना सीखा था तो हाँ। मम्मी लगो गैस लगा, तो मम्मी को सरप्राइज देने के लिए उनको भी नहीं पता था कि मैं इनके लिए बनाने वाली हूँ चाय, तो मैंने पहले दूध ले लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। तुम्हें कुछ पता है कि नहीं कहाँ पर क्या? हाँ मुझे पता है, लो शुगर थोड़ा सा डालना, बहुत ऐसे मत डाल देना इतना ना। हाँ। और ये लो चाय पत्ती, चाय पत्ती <पत्ती। coughs>
डालना मम्मी? देखो अजमान लगाओ, हाँ इतना काफी हो जाएगा, काफी काफी काफी, बस 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 कड़वा। स्पून 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 थोड़ा अदरक कूट दो, अदरक थोड़ा कूट के डाल दो, अदरक। ओ ओ हाँ हाँ, कहाँ कहाँ है ये देखो, वो अदरक पूरा पूरा मत डालना, ये बहुत बड़ा है, देख ले काटू काटू नहीं, इधर से कूट दो, आधा डाल देना। अच्छा ठीक है, कूट के आधा डाल। मैंने थोड़ा हाई फ्लेम में ज्यादा रख लिया, सिम में रख देंगे। मम्मी इधर आओ, कुछ ऐसा दिख रहा है, कैसा बना वैसे बना, देखो। हाँ हाँ देखो, अदरक हाँ हो गया, उतना नहीं है, हो गया। और एक दो स्टर देंगे, थोड़ा और उसको उबालेंगे, तब तक हम स्ट्रेनर वगैरह को रेडी रखेंगे। मम्मी कप कहाँ है? देखो ऊपर। ओ हाँ इधर है एक कप। मम्मी इतना टाइम तक रखने से ठीक है? हाँ हाँ हो गया होगा। ओके बहुत मैंने कम बनाया है क्योंकि कम ही दूध था। अभी देखो जाना चाहिए, हो चुका है तो उसको डाल देंगे।
ये हो गया चाय हमारा रेडी। मैंने कैसे चाय बनाया है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो कुछ ऐसा चाय बनाया है मैंने, चलो देखते हैं। श्रिया ने पहली बार चाय बनाया है, दूसरी बार कि तीसरी बार, पहले मैंने क्लास फाइव में एक बार, जो वो आंटी आई थी तो एक लीटर दूध चाय पत्ती डाल दी थी और चीनी उसमें नहीं डाली थी तुम तो, लेकिन आज एक प्रोसीजर में की हो, थोड़ी बड़ी हो गई हो। बहुत टेस्टी है, अच्छा बना, बहुत अच्छा है, थैंक यू। यू वेलकम। ठीक है, अभी श्रेया चाय बनाना बनाना सीख गई है तो मुझे कभी कभी बना कर पिलाएगी अभी, है ना। हेलो एवरीवन, तो आज हाँ वेलकम बैक टू चिली व्लॉग्स। और आज मैं अपना स्टेशनरी हॉल करने वाली हूँ, मींस मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मतलब प्रोजेक्ट वोजेक्ट के लिए मैंने लाया है, तो मैं वो सब दिखाऊंगी। तो फर्स्ट मुझे जो प्रिंटिंग शॉप से चाहिए था कुछ पिक्चर्स, तो मैंने वो ले लिए हैं पिक्चर्स। और उसके बाद मेन चीज़ में आते हैं, तो फर्स्ट मैंने बाय किया है कुछ स्क्रंचीज, एक पिंक कलर का और एक ग्रीन कलर का। उसके बाद मैंने एक ऐसे स्टैंड लिया है रबर बैंड का, और उसमें 10 पीसेस रबर्स लिया है, इधर 8 है और दो दूसरे कलर का। फिर मैंने ये एक लिया है स्केच पेंस लिया है, और फिर 2 पेन्स लिया है ब्लैक और वाइट कलर का। उसके बाद मैंने लिया है सेलो टेप और ग्लू स्टिक। फिर मैंने लिया है, एक्चुअली मैंने नहीं, मेरे फादर ने लिया है ईयरबड्स। और फिर ये है कुछ स्टिकी नोट्स, ग्लू, एंड लास्टली और दो चीज़ें मैंने लिया, एक स्क्रैप बुक और एक नोटबुक जो अभी मैं खोलूँगी क्योंकि मुझे नहीं पता वो कैसे दिखता है। तो ये एक है नोटबुक, इधर कुछ ऐसे नोट्स भी हम बना सकते हैं, रेड, येलो, ग्रीन और लास्टली ब्लू। सो 5 सब्जेक्ट्स के लिए है ये बुक, और मुझे तो ठीक ठाक लगा प्राइस इसका। मम्मी बोल रही थी कि कुछ ज़्यादा ही ले लिया, और फिर इधर नोट्स। तो हाँ, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए अपना नोट्स, ये काफ़ी अच्छा है। तो दैट्स इट, और उसका थोड़ा क्लोज तो ये सब मैंने बाय किया था। तो दैट्स इट, और हाँ इतना ही, बाय। आपको कमेंट में भी बताना कि कैसा लगा ये सब।